इसके अलावा जो लॉकडाउन्स हैं, स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं जो हम पहले भी इस्तेमाल करते हैं आए हैं, उस टेक्निक का भी दोबारा से और बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाएगा। और जो हमारी मोबिलिटी है, हमारी जो मूवमेंट है, उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल्स या कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हम समझते हैं रखने की ज़रूरत है। टूरिज्म के हवाले से बात करना चाहूँगा। आजकल सीज़न भी है और हमारी बहुत सारी आबादी जो है वो इस दौरान इन छुट्टियों में, गर्मियों में टूरिज़्म मुख्तलिफ मकामात पर जाना चाहती और जाते भी हैं। इस दौरान हम एक चीज़ कहना चाहेंगे NCOC की तरफ से और वजारत सेहत की तरफ से, और वो ये कि टूरिज़्म के हवाले से हमारी ताकीद होगी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज़्म पे जा पाएंगे। खसूसन ये जो ईद की छुट्टियां आएंगी, इस दौरान में इस पाबंदी का इतलाक़ बहुत सख्ती से किया जाएगा। वैक्सीन एक बहुत अहम स्ट्रेटजी है कोविड से मुकाबले की, मास्क और दीगर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अलावा। अब मैं कुछ वैक्सीन के बारे में भी आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि मुल्क में काफ़ी वैक्सीन मौजूद है और इस किस्म की कोई कमी या मुश्किल की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ गुज़िश्ता रोज़ एक दिन पहले 4.5 लाख के करीब वैक्सीन डोजेज़ लगी हैं और 6 मिलियन यानी 60 लाख इजाफी डोजेज़ आइंदा आने वाली हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इससे वाजे हो जाना चाहिए कि वैक्सीन की वाफर मकदार मौजूद है और इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें ताकि हम जो हमारे पास दो अहम स्ट्रैटेजीज हैं इस बीमारी का हल करने के लिए, इसकी रुकावट में इसको रोकने के लिए, जिसमें पाबंदियां अपनी जगह हैं, रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह हैं, मास्क का इस्तेमाल अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ जो वैक्सीन है ये बहुत अहम स्ट्रैटेजी है। सो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह हम इस बीमारी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसमें केसेस में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे को रोकने के लिए, वाजे तौर पे रुकावट डालने के लिए जो हमारी मौजूदा इकदामात हैं उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बेहतर अडॉप्शन, उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। और इस इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए हम तमाम इंतज़ामी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, एक बात। दूसरा, टूरिज्म के हवाले से वैक्सीनेशन लगवा के टूरिज्म पे ज़रूर जाइए, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो एक मैंडेटरी चीज़ होगी खसूसन ईद की छुट्टियों में, लेकिन उसका इतलाक हम अभी से आपको बताना चाहते हैं। और आखिर में वैक्सीन्स लगवाइए क्योंकि इसी के ज़रिए हम अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को कोरोना के फैलाव से बचा सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।